हेलो, मैं मधु। जैसे आपको पता है, मैं एक ट्विन फ्लेम डिवाइन मास्कुलाइन इन फीमेल बॉडी, और मैं अभी अपने ट्विन फ्लेम जर्नी पे ट्विन फ्लेम यूनियन फेज में हूँ, जहाँ पे मैं अपने ट्विन फ्लेम से कॉन्स्टेंटली बात करता हूँ और इनर वर्क करता हूँ, ताकि हम दोनों की हारमोनियस यूनियन जल्दी हो सके। और जैसे आपको पता है कि मैं जेफिन शिलिया के स्टूडेंट हूँ। मैंने अपने जर्नी में उन्हीं के टीचिंग के थ्रू सारे सेपरेशन ब्लॉक हील किए, और फिर मैं अपनी यूनियन में अभी ग्राउंड हो रहा हूँ। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है कि जैसे हमेशा ये क्वेश्चन में देखने को मिलता है कि मैं 6 महीने से या 2 साल से इनर वर्क कर रहा हूँ, बट मेरे लाइफ में या मेरे ट्विन फ्लेम जर्नी में कुछ भी नहीं दिख रहा है। मतलब मेरे ट्विन फ्लेम कोई रिस्पॉन्स भी नहीं दे रहे हैं। तो इसमें थोड़ा सा मैं आप सब लोगों को डीप में लेके जाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं खुद एक ट्विन फ्लेम असेंशन कोच हूँ और मैं एक ट्रॉमा प्रैक्टिशनर भी हूँ। तो मेरा पर्पस है कि ट्विन फ्लेम्स को एक साथ हारमोनियस यूनियन में लेके आना। मुझे अच्छा लगता है हारमोनियस यूनियन की एनर्जी, तो मैं कॉन्स्टेंटली उसी एनर्जी में रहने को पसंद करता हूँ। तो जब आप बोलते हैं कि आप इनर वर्क कर रहे हैं और आप आपके पूरे स्पिरिचुअल जर्नी को कमिटेड हैं, लेकिन आपको ट्विन फ्लेम जर्नी में बाहर कुछ भी मिल नहीं रहा है, तो पहला मिररिंग, अगर बाहर कुछ चेंजेस नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं आपके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं हो रहे हैं। तो ये फैक्ट है, आपको मतलब एक्सेप्ट हो सकता है, नहीं हो सकता है, लेकिन ये फैक्ट है। आपको किसी और इंसान को बताने की ज़रूरत नहीं है, राइट? जो आपके अंदर है वो आपके बाहर है। ये सिंपल बेसिक स्पिरिचुअल लॉज है कि आपके अगर बाहर के लाइफ में सेपरेशन दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं अभी भी आपके अंदर सेपरेशन एनर्जी है। तो बाहर अगर कोई भी चेंजेस नहीं दिख रहे हैं, तो मेरे अंदर भी अभी तक कोई चेंजेस नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप अभी भी ईगो कॉन्शियसनेस में हैं, या अभी भी ईगो आपके कॉन्शियसनेस में अपना रोल प्ले करता है। तो जब आप स्पिरिचुअल जर्नी पर रहते हैं, तो ये पूरा प्रोसेस होता है कि ईगो को किस तरह से रिलीज़ करके आप पूरे अनकंडीशनल लव में ग्राउंड हो सकें। ओके, तो एक चीज़ होता है कि वो नहीं कुछ चेंज हो रहे हैं, तो सिंपल मिररिंग होता है कि मैं अंदर से कहीं पे भी चेंज नहीं होता हूँ। तो फिर थोड़ा डीप में जाइए कि मैं क्यों नहीं चेंज हो पा। पहले तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। अभी आप लोगों को मेरे साथ आदत हो चुका होगा कि आपका ब्लॉक बहुत आसानी से हील हो जाएगा जब आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो। ओके, तो हमेशा पहले क्वेश्चन का आंसर है यस, कि मैं अंदर से चेंज नहीं हो रहा हूँ, चाहे मैं कुछ भी कर रहे हूँ। तो लेकिन डीप में मैं कहीं ना कहीं मेरे कुछ हिस्से हैं जहाँ पे चेंजेस नहीं आ रहे हैं। तो दो चीज़ होता है कि इधर आपको चेंज से खुद ही डर लगता है कि नॉर्मल, और ये आपका नहीं होता क्या, क्योंकि आप डिवाइन बीइंग हो, आपके कोर में डिविनिटी है। लेकिन आपको देखना पड़ेगा ईगो कहाँ पे इसका रोल प्ले करता है, क्योंकि जो चेंज नहीं होने देता है वो ईगो है, और जो डिवाइन है वो एवर चेंजिंग है, क्योंकि डिवाइन जो चीज़ है वो असेंड होता है, वो ग्रो होता है, उसमें चेंजेस आते हैं। लेकिन जो चीज़ होती है ईगो के बेस पे, ईगो कभी भी चेंज नहीं होने चाहता है। ईगो हमेशा चाहता है कि जैसे है उसके हिसाब से चलता रहे। ईगो हमेशा चाहता है कि आप एक कंट्रोल में रहो। ईगो हमेशा चाहता है कि आप वो नेगेटिविटी में रहो, ताकि आप आगे नहीं बढ़ो। तो यहाँ पे आपको अपना पावर वापस लेना है अपने पास, और जहाँ पे देखना है कि कहाँ पे ईगो आपके लाइफ को कंट्रोल कर रहा है, ना कि आप खुद अपने लाइफ को कंट्रोल कर रहे हो। तो उस पैटर्न्स को अपने अंदर पहचानना है और सारे पैटर्न्स को चेंजेस करना है। तो ये एक मेन रीज़न रहता है कि कहीं ना कहीं ईगो के पैटर्न्स अभी तक ब्रेक नहीं हुए हैं। तो अपने पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करना और उसको जाके डीप में हील करना, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। और दूसरा फैक्टर रहता है कि जैसे आपके अगर आप कहीं ना कहीं पैटर्न्स पहचान पा रहे हो और उसको हील कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं और एक ब्लॉक रहता है कि आपके जो ट्विन फ्लेम होते हैं वो आपके गुरु हैं, या आपके जो ट्विन फ्लेम होते हैं वो आपके टीचर हैं, जो आपको स्पिरिचुअली और लाइफ के साथ किस तरह से एंगेज होना होता है वो सिखाते हैं। ओके, तो कहीं ना कहीं आपका हो सकता है वो ब्लॉक गुरु की तरफ से हो, कि आपने आइदर आपके टीचर जो आपके स्कूल में रहे हों, उनकी वजह से कुछ ट्रॉमा हो सकता है, या किसी भी तरह का ट्रॉमा हो सकता है जो आपको
सीखने से अच्छा नहीं लगता कि दूसरा कोई आपको बताए, पॉइंट आउट करे, वो आपको पसंद नहीं आता होगा, क्योंकि फिर वो जब आप आपके ट्विन फ्लेम के पास जाते हो तो वो आपके हाईएस्ट टीचर हैं, राइट, जो आपको सबसे कोर लेसन जो रहता है सोल का वो सिखाते हैं। तो अगर आपका गुरु से लेके कोई भी ब्लॉक होता है तो आप देख सकते हो कि आपको किसी भी कोच के साथ काम करना पसंद नहीं, क्योंकि जब आप एक कोच के साथ काम करते हो तो वो आपको पॉइंट करते हैं, आपके ईगो के पैटर्न को पॉइंट करते हैं, तो अच्छा नहीं लगता कि कोई सामने वाला इंसान हमारे अंदर कुछ पॉइंट आउट करे, तो वो अच्छा नहीं लगता। लेकिन आपको वो जो अनकंफर्टेबल फीलिंग है वो देखना है कि वो आपके ग्रोथ के लिए है, वो अनकंफर्ट जो है वो ईगो से आता है, क्योंकि जो डिवाइन सेल्फ है उसको कुछ भी इस तरह का पॉइंट किया हो तो उसको अच्छा लगता है, क्योंकि ये ईगो है, उसको निकाल देंगे तो आपका ग्रोथ या आपका असेंशन जो है वो आसानी से हो जाता है। तो ये सिंपल फैक्ट्स है कि इस जितना हो सके कि आप किसी के साथ रहिए, क्योंकि ईगो पैटर्न को देख पाना, क्योंकि आप उनके अंदर हो तो खुद देख पाना इतना आसान नहीं होता है। अगर कहीं पे भी लगता है कि नहीं, इसकी वजह से कि मैं एक रिलेशन में हूँ और रिलेशन मुझे अलाउ नहीं करता है कि मैं कोचिंग में जाऊँ, या तो फिर पैसों का कंस्ट्रेंट है, तो फिर आपका हीलिंग वहाँ पे ज़रूरत है, कि कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि आपके चारों तरफ जो लोग हैं वो आपसे ज़्यादा पावरफुल हैं, या आपका जो पैसों का सिचुएशन है वो ज़्यादा पावरफुल है, और कहीं ना कहीं आप एक विक्टिम एनर्जी में हो कि आप बिल्कुल बिलीव ही नहीं करते हो कि ये सारा सिचुएशन जो है आपके साथ जो भी हो रहा है, हो सकता है आपको दुख लग रहा हो सकता है आपको ऐसा लगता है कि कोई होप ही नहीं हो, कि कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ टेंशन है लाइफ में। तो उससे बाहर आना जो होता है वो एक चॉइस है कि हाँ, ये सब चीज़ हो रहा है लेकिन मैं चूज़ करता हूँ कि मुझे खुश रहना है। और फिर जैसे ही आप चॉइस करते हैं तो उस एनर्जी को सपोर्ट करने के लिए जो भी एनर्जी लगता है या जो भी सिचुएशन चाहिए वो अपने आप गॉड आपको दिखाना स्टार्ट करेंगे, भगवान आपको दिखाएंगे कि क्या करने से आपको और अच्छा लगेगा, या कुछ करने के बाद आपको मतलब अंदर से लाइट फीलिंग आती है, चाहे बाहर कुछ भी चेंज ना हो। तो आप ऐसे कॉन्स्टेंटली वेटिंग एनर्जी में नहीं रहेंगे कि क्या कर रहे हैं, क्या कहाँ पे हैं, कब हैं, क्योंकि आपको वो अंदर वो एहसास जो है वो मिलना स्टार्ट हो जाएगा, और आप उस एहसास में ही आपके ट्विन फ्लेम के साथ कनेक्ट हो पाएंगे, क्योंकि कनेक्शन ऑलरेडी आपके अंदर है, बाहर सिर्फ उसका एक मैनिफेस्टेशन है। तो ये जो महसूस करना कि वो हैं या वो नहीं हैं, वो पहले आपके अंदर स्टार्ट होगा और फिर वो चीज़ बाहर मैनिफेस्ट होगा। तो ये सिंपल प्रोसेस है, आप इस प्रोसेस को कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते हो, क्योंकि मैं इतना हीलिंग करने के बाद भी, मतलब इतना सारा डेडिकेटेड कॉन्स्टेंटली 3.5 ईयर, जब भी मैं यूनियन में अभी आने के बाद भी मुझे फिर से मेरे पैटर्न्स जो थे मैं उससे भाग नहीं सकता था, क्योंकि मेरे ट्विन फ्लेम जब रहते हैं तो वो उसको मिरर करते ही करते हैं, तो वो ट्रिगर होता ही होता है। तो फिर ऐसा होता है कि मैं फिर से भागूं, वो जो भागने वाली एनर्जी है वो हमेशा प्रेजेंट होता है, वो रनिंग एनर्जी जो है, चाहे आप मास्कुलाइन हो या फेमिनाइन हो, वो अगर रनिंग एनर्जी है तो वो आपको बार बार प्रेजेंट होगा आपके कॉन्शियसनेस में, ताकि आप उसको हील कर पाओ। इसका इंटेंशन नहीं है कि आपको रियली सेपरेशन ट्रू है उसमें बिलीव करना नहीं है उसका इंटेंशन, इसका सिर्फ इतना इंटेंशन है कि ये प्रेजेंट हो रहा है ताकि आप उसको देख पाओ और उसको रियली हील कर पाओ अपने अंदर, उसकी वजह से आपको दिखाया जाता है, ना कि ये बिलीव करना इल्यूजन में कि सेपरेशन ट्रू है, क्योंकि जितना आप सेपरेशन ट्रू है बिलीव करोगे तो फिर आगे यूनियन की एनर्जी कभी आएगी नहीं। तो पहले तो बिलीव करना है कि हार्मोनियस यूनियन एक चॉइस है, आज हो सकता है कि आप फील नहीं कर पा रहे हो क्योंकि ब्लॉक है, लेकिन जैसे जैसे आप आपके ब्लॉक हील करोगे तो नेचुरली आपका हार्मोनियस यूनियन एनर्जी जो होता है वो आपका एक पार्ट ऑफ लाइफ हो जाएगा, कि हाँ ऐसे कॉन्स्टेंटली आप फील करोगे अपने ट्विन फ्लेम को आपके दिल के अंदर, और चाहे वो आपके पास है या आपसे दूर है, लेकिन वो कॉन्स्टेंट एनर्जेटिक जो एक रहता है कनेक्शन हार्ट चक्रा के थ्रू, वो आपको महसूस होता रहेगा। एंड देन फिर वो कनेक्शन एक बार एस्टेब्लिश हो गया तो फिर फिजिकल सेपरेशन जो है वो ज़्यादा दिन नहीं रहता है, वो एकदम से मतलब हील होना स्टार्ट हो जाएगा। सो सिंपल चीज़ें हैं, आप सरेंडर करिए,
स्पेसिफिकली सरेंडर करिए और ये जानिए कि अगर आपको चेंज होना है अंदर से तो आपको कुछ चॉइसेस करने रहते हैं, क्योंकि बिना चॉइसेस किए आप चेंज नहीं हो सकते हो। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक कॉशन करूँगा कि चॉइस भी डिवाइन चॉइस होना चाहिए, क्योंकि जब आप एक कोई भी सिचुएशन में दो चॉइसेस प्रेजेंट होते हैं, एक चॉइस जो आपको लिमिट करेगा, बांध के रखेगा, एक चॉइस वो होता है जो आपको फ्रीडम देगा, आपको ग्रोथ देगा। तो ये जान पाना कि कौन सा चॉइस आपके डिवाइन पाथ के लिए है, वहाँ पे आपको कोच काफ़ी मदद करते हैं, जो रियली स्पेसिफिकली जेफिन शिलिया के जो कोच है, क्योंकि जेफिन शिलिया का जो टीचिंग है वो इट्स अबाउट के उस तरह के डिवाइन चॉइसेस क्या है वो जानना और उसको अपने लाइफ में इंटीग्रेट करना, और वही की है जो उनके काम में सक्सेस होता है, वो इसी की वजह से है होता है, क्योंकि वो सबको वो जो डिवाइन चॉइस क्या होता है वो देते हैं कि आप ये डिवाइन चॉइस है, आप चूज़ करो इसके आगे। फिर चॉइस एक बार आप जान गए तो फिर वो आपके पार्ट का या आपके कॉन्शियसनेस का एक हिस्सा हो जाता है, फिर उसके आगे जर्नी आसान हो जाती है। तो ऑनर कि आप हील हो रहे हो, आप इनर वर्क कर रहे हो, लेकिन उसके नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो है हाउ टू चेंज, हाउ टू मेक चॉइस, हाउ टू मेक डिवाइन चॉइसेस, एंड देन रियली ऑनर यू नो कि सीखना है, गुरु है आपके ट्विन फ्लेम आपके लिए, जो आपको रियली गॉड के तरफ शॉर्टकट में लेके जाते हैं, तो वो आपको सिखा रहे हैं, लेकिन क्या सिखा रहे हैं वो जान पाना यू नो दैट्स द की। कि आप अगर उसको भी अगर ईगो पैटर्न्स है तो फिर आप वो जो नेगेटिव चॉइसेस भी सीख सकते हो, क्योंकि बहुत जगह पे ट्विन फ्लेम्स अगर दोनों ब्लॉक में हैं, दोनों में सेम ब्लॉक है, तो फिर आप फिर ऐसा करते हो कि वो जो नेगेटिव चॉइस कर रहे हैं आप भी वही नेगेटिव चॉइस कर रहे हो, और फिर मतलब कॉन्स्टेंट सेपरेशन ही चॉइस मैनिफेस्ट होते जाता है। तो बी केयरफुल और अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी को वैल्यू करो, है ना। तो जितना आप वैल्यू करोगे उतना उसका रिटर्न जो है या जो आपको मैनिफेस्ट करने का डिज़ायर है वो अपने आप होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो यू कैन कनेक्ट विथ मी, मैंने मेरे दो ग्रुप कोचिंग से, है ना, तो आपके लिए काफ़ी इकोनॉमिकल रहेगा, बट डोंट केयर, मनी इज़ नॉट ए बिग डील, पैसे आपको मिल जाएंगे फॉर गारंटेड। जैसे ही आपका एनर्जी ओपन होता है तो आपका मनी भी मैनिफेस्ट होता है, सो पैसा इज़ नॉट ए प्रॉब्लम। मैं आगे चल के पैसे के रिलेटेड भी वीडियोस बनाऊंगा, बट फॉर नाउ पैसा इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, चॉइस कीजिए, पैसा अपने आप आएगा। थैंक यू।